वन डे मातरम माई डियर स्टूडेंट, टूडे वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पार्ट 6, एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। उसमें ये देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। बी, अ फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड ब्लैंक। तो फ्लावर का आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं, तो वो फ्लावर को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। आंसर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर आएगा। सी, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। डी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटिस इज टर्म एज ब्लैंक। मेल एंड फीमेल गैमेटिस के भोजन को किससे टर्म किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन आएगा। ई, सीस डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय मींस ऑफ ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो क्या आएगा आंसर में, वेन वाटर एनिमल। ओके, जिसका डिस्पोजल होता है वो वेन वाटर एंड एनिमल उसके द्वारा ही होता है। क्वेश्चन सेकंड, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट मेथड्स को डिस्क्राइब करना है, उनके एग्जांपल देना है। तो उनका आंसर देखते हैं, द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. तो asexual reproduction का ये पार्ट है, vegetative propagation। तो उसमें क्या होता है, new plant क्या होता है, are produced from किससे, roots, stems, leaves and buds से new plants का produce होता है। तो हम देखते हैं, स्टेम कटिंग ऑफ रोज, तो ये सब फिगर हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ ही ली है। तो उसको क्या कहते हैं, नोड। उसके बाद उसको क्या कहते हैं, मीन वाले जो है इसको, बर्ड इन द अक्सिल, अक्सिल में बर्ड जो होता है वो, तो उसके स्टेम कटिंग को हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ ही लिया है। अब उसके बाद जो में देखते हैं, पोटेटो प्लांट स्पोरूटिंग फ्रॉम एन आई, तो उनको पोटेटो के फिगर दी गई है, उनको आई है, तो ये क्या है, उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आई। तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जिंजर विथ न्यू प्लांट्स स्पोरूटिंग फ्रॉम इट, तो जिंजर के बारे में दिया गया है, तो इस पिक्चर में देख सकते हो उसको भी। ओके, उसमें दूसरा मेथड देखते हैं, बडिंग। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा अ बर्ड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ एट वन स्पेसिफिक साइट, तो ऑर्गेनिज्म की बात की तो इधर हाइड्रा, तो उससे क्या होता है, जो बर्ड जो होता है वो वन स्पेसिफिक साइट के आउटग्रोथ से उसका क्या होता है, डेवलप होता है। दिस बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर डिटेच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो ये जो बर्ड्स जो होते हैं उसको टाइनी इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है। तो वे फुल्ली मैच्योर, जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो पेरेंट बॉडी से क्या होता है, वो डिटैच होता है एंड न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स वो बनता है। तो उसकी फिगर देखते हैं, बडिंग इन हाइड्रा, तब इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे, तो इसको बर्ड में देख सकते हैं इधर, एक उसको बर्ड। उसके बाद आगे देखते हैं,
ये आया, इसके बाद देखते हैं क्या है ये। टेंटेक्लियस क्या है? टेंटेक्लियस न्यूजुल्स के अंदर उसका डेवलप होता है, तो हाइड्रा में बडिंग को आप इसमें देख सकते हो। तो उसमें अनदर मेथड देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन। वेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, अल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली एंड ब्रेक्स अप इंटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। तो वेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अल्गी में जो अवेलेबल होता है, तो उसको क्या होता है, क्या होता है उसका, अल्गी का ग्रो होता है एंड वो उसका क्या होता है, मल्टीपल रैपिडली होता है, तो टू और मोर फ्रेगमेंट में वो ब्रेकअप्स होता है। दिस फ्रेगमेंट्स और पीसीस ग्रो इंटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जो फ्रेगमेंट और पीसीस जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर उसका ग्रो होता है। पहले उसमें पिक्चर में फ्रेगमेंट के देख सकते हैं पहले, तो उसके फिगर देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन इन स्प्रिग्योरा, क्या कहते हैं, एन अलगा। आप इस पिक्चर में इसको देख सकते हैं उनको। उसके बाद क्या होता है, टू और मोर फ्रेगमेंट्स के अंदर उसका ब्रेकअप होता है। तो आप इस पिक्चर में उसको भी देख सकते हो। ओके, स्पोर फॉर्मेशन। द स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। इस स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो स्पोर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है, तो इस स्पोर जो है वो उसको क्या होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से वो कवर हुआ होता है। तो उनको आप अनफेवरेबल कंडीशन यानी हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी वो स्टैंड रहेगा, अपने आप को अनुकूलन कर पाएगा वो, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो लॉन्ग टाइम अपने आप को सर्वाइव कर पाता है, मैंने अभी कहा वो ही। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इन टू द न्यू इंडिविजुअल्स। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, स्पोर का जर्मिनेट्स होता है एंड न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर उसका क्या होता है, डेवलप होता है। अब हम उसका फिगर देखेंगे। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। फंगस में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन, तो ये क्या है, उसको क्या कहते हैं, हाइपा। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, स्पोरिंगियम। ये जो है उसको क्या कहते हैं, स्पोरस। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका आंसर देखते हैं, व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन द मैटर इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब टू पेरेंट्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो इस मैटर को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द मेल एंड फीमेल गैमेट इज फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस जाइगोट। तो मेल एंड फीमेल गैमेट इज फ्यूज जो है वो फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, उसमें जाइगोट प्रोड्यूस होता है। द जाइगोट सब्सिक्वेंटली डेवलप्स इंटू एन एम्ब्रियो विच फर्दर डेवलप्स इंटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। तो जाइगोट का सब्सिक्वेंटली एम्ब्रियो के अंदर डेवलप्स होता है, और उसका जो आगे का फर्दर डेवलप्स जो होता है वो न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर होता है। क्वेश्चन फोर, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन द असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस हमें देखना है। तो पहले देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाजू में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसका देखते हैं। ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, वन पेरेंट ही नीडेड होते हैं इसमें। टू पेरेंट मेल एंड फीमेल गैमेटिस आर रिक्वायर्ड। तो टू पेरेंट मेल एंड फीमेल गैमेटिस चाहिए इसके लिए रिक्वायर्ड। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं, ऑफस्प्रिंग इज नॉर्मली सिमिलर टू पेरेंट।
ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट्स से नॉर्मली क्या है, सिमिलर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग शोज वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट, तो ऑफस्प्रिंग जो है उसमें वेरिएशन दिखाई देता है पेरेंट के रिस्पेक्ट टू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं ईस्ट हाइड्रा स्पिनोग्रा एक्सेट्रा शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ईस्ट हाइड्रा स्पिनोग्रा वो सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं एनिमल्स ह्यूमन इंसेक्ट्स एक्सेट्रा शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एनिमल्स ह्यूमन इंसेक्ट्स तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शो करते हैं। क्वेश्चन 5, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का स्केच ड्रॉ करना है। इसमें देखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, इसमें देखते हैं इसको क्या कहते हैं स्टिग्मा, इसके बाद इसको क्या कहते हैं स्टाइल, इसको क्या कहते हैं ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी तीनों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कार्पेल, क्या कहते हैं उनको तीनों को कार्पेल कहते हैं। तो इधर देखते हैं इसको क्या कहते हैं एंथर, इनको क्या कहते हैं फिलामेंट, एंटर एंड फिलामेंट को क्या कहते हैं दोनों को स्टेमेन, क्या कहते हैं स्टेमेन कहते हैं। उसके बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं ओवल, क्या कहते हैं ओवल कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं पेटल, क्या कहते हैं पेटल कहते हैं। एंड इसको क्या कहते हैं सेपल। फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हमने देख लिया। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन के बारे में हम डिफरेंस देखेंगे। सेल्फ पोलिनेशन तो उसमें देखते हैं पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, पोलन ग्रेन्स जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में देखते हैं पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, पोलन ग्रेन्स जो है वो डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन में देखते हैं पोलिनेटिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो क्रॉस पोलिनेशन में पोलिनेटिंग एजेंट सच एज विंड वाटर इंसेक्ट्स एक्सेट्रा इज नॉट रिक्वायर्ड। सेल्फ पोलिनेशन में देखते हैं एग्जाम्पल्स पीनट्स सनफ्लावर एक्सेट्रा, पीनस एंड सनफ्लावर सेल्फ पोलिनेशन के एग्जाम्पल है। क्रॉस पोलिनेशन में देखते हैं एग्जाम्पल्स मैंगो रोज एंड मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, तो क्रॉस पोलिनेशन के एग्जाम्पल्स है मैंगो रोज एंड मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। क्वेश्चन 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स, उसका आंसर देखते हैं वंस पोलन ग्रेन्स प्रेस ऑन द स्टिग्मा इज प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब, तो वन पोलन ग्रेन्स जो होते हैं स्टिग्मा पर प्रेस होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करें पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन कहते हैं। द पोलन ट्यूब पेनेट्रेट्स ऑफ द स्टाइल एंड रीच द ओवरी, तो पोलन ट्यूब जो है वो पेनेट्रेट्स द स्टाइल एंड ओवरी तक वो पहुंचाता है। मेल न्यूक्लियस इज ट्रांसफर थ्रू दिस पोलन ट्यूब, तो मेल न्यूक्लियस जो है वो ये पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है। फाइनली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई टेक प्लेस इनसाइड द ओवरी, दिस स्टेप इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तो फाइनली क्या होता है मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई के फ्यूजन जो है वो ओवरी के अंदर टेक प्लेस करता है, उसके जगह जगह लेता है, उन स्टेप को क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन उसके हम पहले फिगर देखेंगे, तो उसको क्या कहते हैं पोलेन ग्रेन, तो उसको क्या कहते हैं स्टिग्मा, उसके बाद इनको क्या कहते हैं मेल जर्म सेल, उसको क्या कहते हैं मेन है वो पोलेन ट्यूब, ये
ओवरी, और लास्ट जो है वो फीमेल जर्म सेल। तो फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो हमने देख लिया। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्प्लेस्ड। तो उसका आंसर देखते हैं, फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड ऑफ सीड्स डिस्पर्सल। तो वर्डियस मेथड इसकी देखनी है, तो इसमें देखते हैं, डिस्पर्सल बाय विंड। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर लाइट वेट एंड सम हेयर लाइक और विंग लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन डेम। तो सम प्लांट के जो सीड्स जो होते हैं उसका वेट कैसा होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, एंड सम हेयर लाइक और विंग लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं। सच सीड्स फ्लोट ऑन एयर एंड आर थस डिस्प्लेस्ड बाय विंड। एग्जाम्पल, डैंडेलियन, मैपले, ड्रमस्टिक एक्सेट्रा। तो सम सीड्स जो होते हैं वो एयर पर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं एंड विंड के द्वारा वो डिस्पर्स होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, डैंडेलियन, मैपले, ड्रमस्टिक, उनके एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट मैटर देखते हैं, डिस्पर्सल बाय वाटर। डिस्पर्सल बाय वाटर टेक प्लेस इन सम एक्वाटिक प्लांट्स एंड इन सम विच ग्रो नियर अ वाटर बॉडी। तो सम एक्वाटिक प्लांट्स में वाटर के द्वारा वो डिस्पर्सल होता है एंड जो वाटर बॉडी के नियर ही उनका क्या होता है, ग्रो होता है। सीड्स ऑफ वाटर लिली फ्लोट एंड थस डिस्पर्स बाय वाटर। तो वाटर के सीड्स के वो लिली जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं एंड वाटर के द्वारा वो क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। द कोकोनट सीड हैज टॉप प्रीवियस कवरिंग विच हैज पेनल्टी ऑफ एयर इनसाइड। दिस हेल्प द कोकोनट सीड्स इन फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो कोकोनट के जो सीड जो होते हैं उसको क्या होता है, टॉप फिब्रस कवरिंग होता है। तो उससे क्या है, इनसाइड एयर पेनल्टी होता है। तो उसके उससे क्या होता है, कोकोनट के जो सीड्स जो है वो वाटर पर फ्लोटिंग करते हैं। नेक्स्ट मैटर देखते हैं, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। सम सीड्स हैव स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर ऑन डेम। तो सम सीड्स जो होते हैं वो उसके ऊपर कैसा स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे गेट स्टक टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड थस गेट स्प्रेड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो उससे क्या होता है, एनिमल्स में फर स्टक होता है एंड डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर क्या होता है, स्प्रेड होता है। एग्जाम्पल्स, बिगर टिक, जेंटियम एक्सेट्रा। बिगर बेगटिक, सेंटियम उसके एग्जाम्पल है। सम सीड्स आर स्वेलोड बाई बर्ड्स एंड एनिमल्स अलोंग विथ फ्रूट। दिस सीड गेट डिस्प्रेस विथ वाटर और एनिमल ड्रॉपिंग्स। तो सम सीड जो होते हैं वो क्या है, बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ फ्रूट के साथ वो उसके क्या होता है, स्वेलोड होता है। एंड जो ये जो सीड्स जो है वो बर्ड्स और एनिमल को ड्रॉपिंग करने से वो क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, डिस्पर्सल बाय ब्रस्टिंग। तो उसमें देखते हैं, सम फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन व्हेन दे मैच्योर। सम फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट ओपन हो जाते हैं तब जब वो मैच्योर होते हैं तब। द फोर्स ऑफ ब्रस्टिंग इज इनफ टू स्प्रेड द सीड्स। तो ब्रस्टिंग का जो फोर्स जो होता है वो सीड का स्प्रेड के लिए क्या है, इनफ है। एग्जाम्पल्स, लेडी फिंगर, कैस्टोर बालसम एक्सेट्रा। लेडी फिंगर, कैस्टोर बालसम उसकी एग्जाम्पल है। लास्ट मेथड देखते हैं, डिस्पर्सल बाय ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड स्पेशली ड्यूरिंग फार्मिंग। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो सीड्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, तो फार्मिंग के ड्यूरिंग वो हेल्प करते हैं स्पेशली। क्वेश्चन 9, मैच आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकंड। देखते हैं, ए बर्ड, उसके साथ क्या आएगा, थर ईस्ट आएगा। बी आइस, तो क्या आएगा, फिफ्थ पोटेटो आएगा। सी फ्रेगमेंटेशन, तो क्या आएगा, सेकंड स्प्रियोग्या आएगा। डी विंग्स, तो क्या आएगा, फर्स्ट मैपले आएगा। ई स्पोरस, तो क्या आएगा,
फोर ब्रेड मोल्ड आएगा। क्वेश्चन 10, टिक द करेक्ट आंसर। ए द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फर्स्ट लीफ, सेकंड स्टेम, थर्ड रूट, फोर्थ फ्लावर। तो इनका आंसर में क्या आएगा, फोर्थ फ्लावर। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर, तो ऑप्शन फोर आएगा। बी द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के प्रोसेस को क्या कहते हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड पोलिनेशन, थर्ड रिप्रोडक्शन, फोर्थ सीड फॉर्मेशन। तो क्या कहते हैं, क्या आएगा, हमने अभी ही देखा क्या आएगा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन आएगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सी मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द फर्स्ट सीड, सेकंड स्टेमेन, थर्ड पिस्टिल, फोर्थ फ्रूट। क्या आएगा, फोर फ्रूट। मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट। डी अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज फर्स्ट रोज, सेकंड ब्रेड मोल्ड, थर्ड पोटेटो, फोर्थ जिंजर। तो क्या आएगा, सेकंड ब्रेड मोल्ड आएगा। अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज ब्रेड मोल्ड। ई ब्रायोफालम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स फर्स्ट स्टेम, सेकंड लीव्स, थर्ड रूट्स, फोर्थ फ्लावर। तो क्या आएगा, सेकंड लीव्स आएगा। ब्रायोफालम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा लीव्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।